तो उंगली तो हम लोग करेंगे ना, अपनी औकात नहीं दिखाई आपने, अपना काम भी तो है उंगली का ना। ऐसे बस मोदी ने क्रिटिसाइज करने वाले, लेकिन मैं मत कर रही है गाइस, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? आज हम लोग बुरा नहीं सुनेंगे। मैं बुरा नहीं देखूंगा। आज हम लोग गांधी जी के तीन बंदर बने हैं। स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल पर फिर से एक बार, जहां आप देखने मिलती है खूब सारी रोस्टिंग, थोड़ा बहुत रिव्यू, बहुत सारी बकचोदी विदाउट एनी एड ब्रेक्स। तो बिना रुकावट के मनोरंजन के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी बकचोदी आई हुई, और देख दिखाते रहिए अपना प्यार कमेंट्स में जैसे दिखाते आ रहे हैं आप लोग। कुछ लोग बुरा भी मान रहे हैं बट ठीक है। तो भाई आज हम लोग क्या लाए हैं? हम लोग लाए हैं मीठी लस्सी। मीठी लस्सी तो समझ ही गए होंगे आज हम लोग किसकी बातचीत कर रहे हैं। भाई बताओ क्या किसकी बात हो रही है? बातचीत हो रही है यहाँ पे चारकोल लस्सी की। पिछली बार याद होगा चारकोल लस्सी क्या होती है? काली लस्सी। तो यहाँ बात हो रही है हर्ष लिखारी जी की, मिस्टर हर्ष लिखारी जी की, जिनका हम लोगों ने गाना एक बार लास्ट में रिव्यू किया था तो काफी अच्छा हम लोगों को मिला था रिस्पॉन्स। तो आज हम लोग फिर से बैठ गए हैं, सुना है इस बार वो हम लोग को डिस करने वाले हैं। ऐसी अफवाह आई मेरे भाई, ऐसे अफवाह आई है, हम लोगों को चैनल पे कॉमेंट आया कि तुम लोगों को डिस कर दिया है करके। तो हमने बोला उसकी गांड में इतना दम कैसे, डिस तो हम करते हैं वो भी बोल के गा के नहीं। तो हमने तुरंत चटपट स्टूडियो सेटअप कर दिया, अब देखते हैं कि कितना उसकी गांड में दम है हमें डिस करने का। एक सिप के साथ शुरू करते हैं क्या? शुरू करते हैं फिर भाई जी, वीडियो लगा दो। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरना जरूरी भाई, हर्ष लिखारी जी हैं। तो लेट्स स्टार्ट ब्रो, शुरू करें। गाने का नाम है डार्क टॉक्स, और पिछली बार इसको हमने बोल दिया था चारकोल लस्सी काली लस्सी, इसीलिए इसने इंस्पायर होके गाना का नाम लिख दिया है डार्क टॉक्स। तो अगर इसमें हमें कुछ रेफरेंसेस ऐसे लगे जो हमारे पे है तो आज हम मुंह चोदी में पिटीशन फाइल करने वाले हैं। कुछ कहेंगे मास्टर? कुछ नहीं, अब तो गाना ही बताएगा। तो फिर शुरू करते हैं। अज गल ना सुनाऊं जरा करे ध्यान, जिंदगी दा पूरा अज दऊंगा बयान, हवा ओना दी मैं कटूं जेड़े आए वैर पण, गीता ने सारे अज कट लेनी जहां। अज गल मैं सुनाऊं जरा करे ध्यान, जिंदगी दा पूरा अज दऊंगा बयान, हवा ओना दी मैं कटूं जेड़े आए वैर पण, गीता ने सारे अज कट लेनी जहां। यहां पे इसका मुंह इतना मायूस सा क्यों बना हुआ है? पता था कि हम लोग रिव्यू करेंगे इसको। ये तो वापस से वही प्रोफेशन में आ गया, एक आर्टिस्ट जैसा, चार लौंडे लेके पीछे, मतलब वही मेथड फॉलो कर रहा है। तो इसको सब इतना यूनिक यूनिक क्यों बता रहे थे? मुंह नहीं देख रहे हो तुम? हाँ मुंह नहीं देख रहे हो? उसका मुंह सब तो मैच हो गया ना, तो कैसे मुंह तो नहीं दिख रहा मुझे? तो आर्टिट्स दिख रहा है इसका? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, तुझे क्या दिख रहा है? मुझे तो एक वो दिख रहा है, C4 कैट। C4 कलाकार, कलाकार C4। तो आ गया अपना मेथड एक्टर हो गया वापस से ये। करियर के नाम पे सिद्धू मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला हो गया भाई डाउनलोड दोबारा से, दोबारा क्या गांड में घुसे हुए 29.5। इसको बता, इसको जबरदस्ती सिद्धू मूसेवाला बनाया जा रहा है इस लौंडे को। हाँ इसको उस टाइप का, उसी टाइप के सी मतलब कपड़ा वड़ा हर चीज पगड़ी वगड़ी बना के ले आते सामने ताकि वो उस तरह दिखे, बट वो कर नहीं पा रहा है। लोग बहुत बोला कि नया आया है लौंडा, छोटा सा लौंडा है, वो गाली वक्त क्योंकि इसका मुंह भी सिद्धू मूसेवाला का ऐसा लगता है कोई हथौड़ा मारा हुआ है। सिद्धू मूसेवाला तो पैदाइशी में तो सुपारी लोग निकला था ना ऐसे करके,
तो भाई इसको जो ना छोटी सी उम्र में जबरदस्ती इसको खींचतान के बोला जा रहा सिद्धू मूसेवाले वन 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 बनाया जा रहा है जबरदस्ती, इसको प्रेशर डाला जा रहा है भाई। बट एक चीज तुम्हें पता है कि जितना इसको मतलब हाइप दे रहे हैं कि छोटी उम्र में एक कलाकार उभर के आया है बहुत अच्छा कर रहा है, तो इससे ज्यादा अच्छे अच्छे रैपर इससे कम उम्र में रैप करके आगे बढ़ना शुरू कर दिए हैं। ये बहुत लेट आया है एज की अगर बात करोगे तो। भाई इसको था ना सिहो से वहां से पंजाब से वो मिल गई सिंपैथी, बच्चा समझ के देख सुन लिया किसी ने गाना, उस हिसाब से इसको यहां तक पहुंच गया है। अदरवाइज रैप तो और भी अच्छे कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छे अच्छे कर रहे हैं। छोटे बच्चों का वॉइस थोड़ा ऐसे ही पतला रहता है, ठीक है, ऑटोट्यून में आसानी हो जाती है, ऊपर से ऑटोट्यून है। इसको मिल गया नोटबुक जिसमें लिरिक्स लिखा हुआ है और इसको गाने बोल रहे हैं जबरदस्ती और उसका टैग जोड़ दिए हैं इससे। बट इसका अभी मैं देख रहा हूँ ओंठ अलग क्यों लग रहा है बाकी जगह से, क्योंकि बाकी सब गोरे हैं। चलो सुन लो पहले टॉक्स करना है ना, इसको सुन लेते पहले थोड़ा सा। ਨਾਲ ਬੈਕੇ ਸੀਗੇ ਲਿੰਕ ਸੀ ਵਧਾਏ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਚੜਾਏ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਨਪੇੜਾਂ ਕਦੇ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਨਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਫੇਲ ਉਹਦਾ ਕਰਦੇ ਮਖੌਲ ਜੇ ਹੋਵੇ ਕਾਮਯਾਬ ਛੱਡ ਦੀ ਨਾ ਪਸਤੌਲ ਡਰਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਜੰਮਿਆ ਕੋਈ ਬੀਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਖੇ ਸੀ ਯਾਰ ਦੋ ਚਾਰ ਰਹੇ ਖਰੇ ਬਾਕੀ ਨਿਕਲੇ ਗਦਾਰ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਪਰਖ ਲਏ ਹੋਗੇ ਅਭੀ ਤੱਕ ਇਤਨੀ ਸੀ ਉਮਰ ਮੈਂ। क्या वो पेंसिल चोरी कर ली किसी ने क्या बेटा? मैं बोल रहा हूँ ना इसको नोटबुक मिल गया है किसी का नोटबुक मिल गया है इस उम्र में और इसका फ्लो देखो इसका सब क्या गद्दारी हुई होगी मुझे ये जानना तो। माँ ये मैं ही नहीं समझ पा रहा कि दो चार निकले बाकी सारे निकले गद्दार, ऐसा क्या मादा चोद तुमने क्लेम्स में लड़की मादा चोद उसमें आ गई थी क्या? एस में सिस्टर होता है ना एस से, क्लेम्स में एस आ गया था क्या मादा चोद लौंडो ने बक्सुदी में एस निकाल दिया था, अजीब है भाई। और एक चीज है कि अगर हम लोग इसको अप्रिशिएट करने की कोशिश भी करेंगे तो वैसा कुछ अलग नहीं किया है गाना में कि अप्रिशिएट कर दे इसको। हाँ ऑब्वियसली फ्लो वैसा ही है इसका, अगर छोटा छोटा क्लिप्स भी देखेंगे ना कहीं परफॉर्मेंस दिया या कुछ किया है सेम वही क्लिप्स दे रहा है वापस से ये। और भाई इस गाने में तो ना ये गाने को सूट ही नहीं कर रहा एकदम, ये हो नहीं तो लूज टाइप का इंसान वो कर रहा है वही तो एकदम एक्टिवनेस जो होता है गाने के वाइब होनी चाहिए वही नहीं इसमें, ये रहा जबरदस्ती को पेला जा रहा है। हाँ, गा, 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 क्यों नहीं गा रहा है मतलब पूरा इतना गाज तो नहीं गिरा है इसके ऊपर जिस हिसाब से इस गाने में ये वाली लाइन में बोला कि शकल से भी ढीला दिख रहा है गाना भी ढीला है साला, मुंह भी ढीला, सब कहेंगे कि जज करते हो इस बात में तो चीयर्स करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ हंसली खारी की इतनी गांड फटी है कि इसने हमारा फेस ब्लर किया, हमें टैग कर देता, हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम हमारे पर शॉर्ट्स लो, वी आर क्रिंज। तो मेरे दोस्त जो बड़े लोगों का तुम दोस्ती करके सोच रहे हो कि छोटे से बड़े हो जाओगे, तो नहीं, अभी तुम्हारी उम्र मादा तो 10वीं 12वीं की ही है। नहीं वो तो ठीक है, ये अभी जो कर रहा है ये भी तो क्रिंज ही हुआ, ऑब्वियसली रैपर्स यही करते हैं, हम लोग के नाम पे फेम उठा रहा है ये। फन्नू की लग रहा हम लोग के नाम पे फेम उठा रहा है अभी। चलो मैं देख रहा हूँ आगे बात फिर लास्ट बात करेंगे, गाना अच्छा रिव्यू करेंगे जैसे करते आ रहे हैं। भाई पूरा गाना में इसका एक्सप्रेशन ऐसा लग रहा है ना कि लालू प्रसाद पंजाब में पैदा हो गया। एक्सप्रेशन इसका वैसा ही है कि भाई एक्सप्रेशन बिल्कुल दे ही नहीं पा रहा भाई ये एक्सप्रेशन। तो जैसा हमने पहले बोला था कि इसकी गांड फटी फटी सी क्यों लग रही है, मेरे को कमेंट में चीज आई ना कि डिस आ गया है तुम लोगों के ऊपर, तो मेरे को लगा था कि बकचोदी कर रहे हैं, तो साथ में बैठ के रिव्यू करेंगे। वैसे भी हम लोग नॉर्मली पहली बार में ही गाना डायरेक्ट सामने ही देखते हैं, तो वो तो अच्छी बात है कि लोगों ने ढूंढ के बता दिया कि एक बार तुम जाके चख दो इसको, बहुत बकचोदी कर रहा है ये। तो वही है कि सिद्धू मूसेवाला, अगर सिद्धू मूसेवाला क्या लालू प्रसाद यादव,
यादव जी वहां पैदा हो गए हैं, पग डाल के पंजाब में, बट पंजाब के लोग तो गोरे होते हैं ना। पर ये लालू प्रसाद है ना। चारा घोटाला किया गया इसने भी। चारा का कमी थोड़ी है पंजाब। ये गाना घोटाला कर रहा है, ये गाना घोटाला कर रहा है। प्ले करो भाई। आदत रोण दी नहीं लोकां नूं रवावां जिहड़ा होवे उच्चा नीवा नींद चैन दी सुआवां YouTube उत्ते वेखां मिथे बणदे रिएक्ट कई गेमां मिल। इन्ने सबने मादा चोद आके फेम के चक्कर में कि हाँ भाई इस लौंडे के पास फेम आ रहा है, अच्छा अच्छा बोल के मीठी मीठी हंस लगा। पूरा अभी तक तो मैं इसको टैलेंट के लिए कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि ये अभी तक सिंपति पे ही चल रहा है। तो टैलेंट के लिए तो बिल्कुल नहीं बोल सकते हम लोग। वही है कि अब किसी को भी अगर इस एज के मतलब आते हैं लोग ना, बच्चों को सिखा दो, अच्छा कंपनी मिलेगी, अच्छा म्यूजिक मिलेगा, तो वो भी कर ले जाएगा भाई। और क्या, ऊपर तो इससे अच्छी एक्टिंग तो कर ही देगा स्क्रीन पे आके। गाना तो लोग ऑटो ट्यून हो जा रहे हैं आजकल। और क्या, वो तो वही याद है ना कि स्क्रीन पे आप अपना फेस कैसे, मतलब अपने बॉडी को या फेस को कैसे पोर्ट्रे कर रहे हो, बट तुम्हारा तो भाई नहीं समझ में आ रहा कुछ। यही लग रहा है कि हाँ बस रिसोर्सेज मिल गए हैं, किसी ने बना के खड़ा कर दिया है तो वो चल गया है काम। वैसे भी आजकल कोई भी चल जा रहा है। मैं कह रहा हूँ गाना खत्म कर देता हूँ, सुन लेते हैं भाई जी ने बात क्या की है। पर चढ़ गया सिकुड़ा हुआ यहाँ पर चढ़ गया है, जबकि इसको एक नया ताजा आम होना चाहिए इसके हिसाब से, कुछ नया अच्छा मिठास होना चाहिए। भाई मैं बता रहा हूँ तुमको ना, एक जनरलवादी अंडर प्रेशर है, इसको जबरदस्ती लोग खींच रहे हैं, इसको ना इंडिपेंडेंट करके एकदम थोड़ा सा इसको अपने आप काम करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा कर लेगा भाई। मतलब इसको अभी मेरे ख्याल से ना जनरल ओपिनियन लास्ट में देते हैं। लो सच्चा सुच्चा ना हराम दा मैं खादा या मैं सब दा सका मेरा माड़ा ना इरादा या माड़े बंदे नू पछानण च धोखा ना मैं खादा या क्लासरूम में बैठ के ये सब कर रहा है माता, पढ़ाई नहीं करनी है। देख इतना महंगा कपड़ा पहना लो उठान, वो भी मैं सूट नहीं कर रहा है इसको। अज कल मैं सुनाऊं जरा करे ओ ध्यान, जिंदगी दा पूरा अज दऊंगा बयान, हवा उना दी मैं कटू जड़े आए वैर पान। जिंदगी का पूरा आज देगा बयान। मादर चोद उम्र क्या है इसकी? 17 का है रे बहन का लोड़ा। अरे 14 15 16 साल का है। इसको ना लिरिक्स दिया गया है, इसका खुद का नहीं है, इसका बस फेम और वॉइस यूज किया जा रहा है, वॉइस को भी ऑटो ट्यून कर दे रहे हैं। हां बस वही हो रहा है इसका, बस बोला तो खींचा जा रहा है इसको यार। तो मतलब ये म्यूजिक इंडस्ट्री का पुनीत है क्या? चलो डार्क टॉक्स में क्या डार्क बोलना चाहेंगे आप भाई जी? डार्क से शुरू करें तो ये चीज लग रहा है पहला इसमें कि एक तो इसको देख के मुझे ये फील आ रहा है जैसे हम लोग 8-9 क्लास में थे, तो कोई ना कोई एक लौंडा ऐसा निकलता है जिसका सीनियर लोगों में भाई या जान पहचान बन जाता है, तो फिर अपने सामने वो चौड़ा बनता है। पहला तो मुझे इसका वो वाला पूरा एक्शन लग रहा था यहाँ पे कि बहन चोद बड़े बड़े लौंडे मेरे साथ पीछे खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं, तो मैं तो मादा चोद अब किल कर दूंगा, ड्रिल कर दूंगा, बट नहीं। और मेरे को एक कंप्लेन है इससे, ये शिट कर रहा है बस, ये सिर्फ शिट कर रहा है। कंप्लेन क्या है? कंप्लेन मेरी ये है कि हमारी जो इसने फोटो लगाई इतनी बड़ी फ्रेम में, वो अच्छा लगा मुझे कि हमें इतना बड़ा इसने पूरे स्क्रीन पे रखा, बट बाकी जिन लोगों ने इसकी तारीफ की उनका इसने फेस रखा। तो भाई आगे क्या, तुमको कैसा लगा आने का चश्मा मैन? मुझे तो गाना इसको प्रेशर में बनाने बोल रहे, और उसके बाद इसका भी उम्र है नहीं ये सब चीज करने का, इसलिए इसको तो अभी थोड़ा टाइम लेना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, उसके बाद ये अपना खुद का लिरिक्स बनाए, फिर अपना गाना बनाए। और पहला बात तो इसको वीडियो सॉन्ग्स नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सूट नहीं करता वीडियो सॉन्ग्स, इसको बनाना है ऑडियो सॉन्ग्स, और बाकी अपना जितना भी उसका सोर्स है भाई लोग है उनसे शेयर करवा के हिट हो जाए, पहले लिरिक्स के दम पे आओ फिर वीडियो बनाओ, जब जिम विम करके थोड़ा हैंडसम हो जाए। वीडियो
भाई गाने के हिसाब से तो गाना जो भी ये गा रहा है तो इसकी उम्र पर तो बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस 65 साल का लौंडा बता रहा हो कुछ, यहाँ ये ऐसा ऐसा हुआ करके। तो सीन ये है कि भाई ठीक है तुम अच्छा गा लेते हो, तुमने टिकटॉक में खूब रील बनाई, मतलब इंस्टाग्राम रील्स पर खूब रील बनाई सिद्धू मूसे वाले गाने पर, ओवरकम करके सुन आगे फेमस हो गए, तुमको बैठा के बैठा बोला जा रहा है तुम सिद्धू मूसे वाले बन जाओ, तो वो तो नहीं पॉसिबल है भाई। वो जो हो तुम वही रहो ना अपना गाना, तो डाउनलोड हो गया ना तो ये उसकी रिप्लेस करना चाहता था ना, नहीं कर पा रहा है। खैर गाना जो भी बना रहा है, जो भी इसने रिप्लाई दिया है ठीक है, इसके किसी ने अच्छे से मेहनत करके इसको दिया है रिलीज पढ़ने के लिए, बट हाँ जैसे इसने बोला तुम वीडियो में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो, बिल्कुल भी एक्शन नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा उस पर इम्प्रूवमेंट करो या तो फिर हट जाओ। और अगर रियल ऑडियंस चाहिए तो सिद्धू मूसेवाला का आंट पकड़ के झूलना बंद करो। और एक चीज और, जैसे लोग रिप्लाई वीडियो या ऐसा वीडियो तब बनाते हैं जब बहुत सारे लोग उनको हेट कर रहे हो, सिर्फ एक कोई हेट कर रहा हो उससे नहीं, ठीक है। अगर सब ऐसे कर रहे हैं तब ना क्रिंज बता सकता है, तब ये उस चीज पे आ सकता है कि हाँ भाई मेरे को इतना सारा हेट मिल रहा है बट मैं तो एक अपने लाइन पे निकला हूँ जहाँ पे मुझे लोग सपोर्ट करने वाले भी हैं, यहाँ पे एक कोई हेट कर रहा है, वो हेट भी नहीं वो सार्केस्टिकली बात कर रहा है, ठीक है बता रहे हैं बस। इसने भी मुझे लगता है पूरी वीडियो नहीं देखी है, हो सकता है कि हो सकता है, बड़ी बात नहीं है ये मादा चोद। तो खैर अब वो सब छोड़ो, अब इसके बारे में बात ज्यादा नहीं करना, अब गाने की बात करेंगे। तो गाना तुमको कैसा लगा और पॉइंट क्या करना चाहोगे? मतलब बीट अच्छी थी, लिरिक्स की अगर बात करूंगा तो एक उम्र दराज आदमी बोलता ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है इसको देख के, बोला तो ज्यादा चलता है। मतलब कोई भी और बड़ा थोड़ा एज में आदमी होता वो कह रहा होता कि हाँ भाई हमने दुनिया देखा है, ये लिरिक्स उसके ऊपर सूट करता है ये चीज। बाकी इसकी आवाज भी इस चीज को, क्योंकि ड्रिल है यहाँ पे थोड़ा सा हार्श आवाज चाहिए होगा, हार्श आवाज ऐसा वाला, ठीक है बेटा। और एक और चीज आवाज के लिए तो उसको फिर 2-3 साल बड़ा होना पड़ेगा, 2-3 साल में भी नहीं हो पा रहा जिस हिसाब से इसकी एकदम कन्याओं वाली आवाज है। तो गाना मेरे को मतलब सेटअप भी बढ़िया नहीं लगा इसका, सेटअप तो लग रहा है कि स्कूल में बात करके कि भैया बहुत फेमस हो गया है तो यहीं पे एक शूट कर लेने, तो वैसा हो गया। और इसके हिसाब से मैं यही चाहूंगा कि इसको मैं होमवर्क दे दूं, 19 का पहाड़ा याद कर ले, उसके बाद मैं फिर इससे बात करूंगा। चश्मा मैन, गाने का अगर रिव्यू दिया जाए तो पहला बात तो बस 3 ही सेट यूज किया, ये एक क्लासरूम के अंदर वाला जिसमें 4 लोग टॉर्च लेके ये कर रहे थे, और उसके बाद एक कौन सा था, एक व्हाइट कलर का कार था उसके आगे कर रहा था, और एक नेट में सोलो परफॉर्मेंस दे रहा था, और जहाँ पे कार पे खड़ा था उसी कॉलोनी के ऊपर, उसी के ऊपर फिर उसी बिल्डिंग का लिफ्ट में भी एक क्लिप बना लिया उन लोग, ऊपर पता नहीं आप देख रहा है क्या देख रहा है। उसको ये पता चल गया है कि खर्चा कम करना है क्योंकि मैं तो ऑलरेडी फेमस हूँ किसी के नाम से, तो मैं तो चल ही जाऊंगा, बाकी 2-3 समझदार जो रिव्यू देते हैं उनका नाम या फोटो डाल के फेम तो मिल ही जाएगा मुझे यही करके, चलो कोई नहीं। बाकी नंबर तो मैं इसको 1.5 दूंगा, 1.5 इसीलिए क्योंकि हम लोग का फोटो यूज किया है। तो भाई गाने की बातचीत अगर करें तो गाना जैसे कि अभी बताया भाई ने, गाना इसके एज के हिसाब से बिल्कुल सूट नहीं कर रहा, जैसे कि चार वो लोग छोड़ गए ये वो ये सब देख लिया इसने, सब कुछ जिंदगी पूरी जी ली ऐसा बता रहा है। तो बेटा जहाँ तुम क्लासरूम में बैठे हो ना रुमाल लग के, वहाँ किताब खोल के बैठो, दूसरी बार जहाँ क्रिकेट वो है ना नेट वहाँ पे प्रैक्टिस करो, स्पोर्ट्स खेलो, थोड़ा वेट कम होगा, प्रैक्टिस तो नहीं हो पाएगी बेटा, गांव में डंडा बल्ली डाल लेना थोड़ा चर्बी कम हो जाएगी, उसी से इसलिए तुम बोला तो प्रैक्टिस करे थोड़ा चर्बी कम हो। जो बीट्स है गाने का या तो जो म्यूजिक है जो लिरिक्स है वो सिंगर के हिसाब से मैच ही नहीं हो रहा है वो चीज, वही तो। और जो फ्लो है ये फ्लो अगर तू 5-10 साल पहले भी अगर जाएगा तो वैसे ही बीट्स और फ्लो आए हैं, ऐसे लग रहा है कि राइम्स गा रहा है ये, एक ही फ्लो में है पूरा, बिल्कुल चेंज ही नहीं किया। और बोलना, इसका एक वो देखा था मैं, क्या एक क्लिप देखा था जिसमें वो ओमेगल में एक लड़का उसको बोलता है कि तुम गा सकता हो, वो तो है स्क्रिप्टेड ही था वो चीज, पर उसमें भी ना वो उसको बोल दिया था भाई थोड़ा मतलब बीट को तेज करो थोड़ा फास्ट करो, वो उसको ट्रांसलेट कर रहा था, चलो ठीक है वो लैक ऑफ एजुकेशन के लिए हो ही जाता है उसमें कोई बड़ी बात, यही सब तो होगा। तो मेरा तो 1.5 था, तेरा बोलने तो दे मुझे बोला क्या तो भाई जैसे बोला बीट और वो सब देखो ना रिलैक्स थोड़ी सी, वो हाई लेवल मतलब बड़े बच्चे ऐसी लग रही थी जिसको थोड़ा मैच्योरिटी, और जो था आवाज तो पतली इसकी है ही है,
तो दूसरी थिंग ये है कि इसको जो गैंगस्टर लुक देना चाह रहे थे ना, चार लौंडे खड़े होके, वो बिल्कुल नहीं आ पा रहा भाई। ऐसा लग रहा है कि हाँ, बच्चों को डांट फूट के बैठाया गया है, चार भाई लोग घेर लिए हैं, कहां से तानी कर रहा था, चल इधर भाई। नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि चार पेड़ो फाइल खड़ा हुआ है, इसको चोट देगा इसलिए इसका मुंह ऐसा बना हुआ था। तो ली रहेगा, शेर शेर ही रहेगा भाई। तो भाई वो सब सीन है, ठीक है, तुम कर रहे हो, अच्छी बात है, गाना गाओ, गाओ, खूब गाओ, अच्छी बात है, करते रहो, बीट ठीक था, मजा आ रहा था, बड़े पर्दे पे मत आओ। लेकिन हाँ, फेस और एक्शन थोड़े से तो देना शुरू करो, अब ऐसे आके खड़े हो जाते हो, ये नहीं हो पाएगा भाई। देखो आप, और वो सिद्धू मूसे वाला था ये, आप वीडियो वीडियो बना रहे हो, मतलब उसका सेंस आपको कोई तो एक्शन फेस में देना पड़ेगा ना भाई। अगर लोग तारीफ कर रहे हैं आपका वॉइस का, आप बस अपना वॉइस दिखाओ। हाँ भाई, वो बात, चलो भाई मेरी तरफ से है इसको पॉइंट एक नंबर, कुछ कुछ मुझे ऐसी लगा कि ठीक, एक एक मतलब पांच में से एक नंबर। व्हाट योर नंबर? मैं भी पांच में से इसको दो दे दूंगा, एक म्यूजिक का और एक जो इसने बोला कि हम लोग का लेके ये फेमस होना चाह रहा है उसके लिए। तीन, चार, साढ़े चार, साढ़े चार, दस में से, पंद्रह में से। हाँ, फेलियर, पुस्तकें खोलो और भोसड़ी के पढ़ाई लिखाई करो, गाने तो साइड बाय साइड बनते रहेंगे। और तुमको अगर किसी ने ये बोला कि तुम बहुत ज्यादा मोटे हो, तुम्हारी आवाज भी मोटी है, तो गलत बोल दिया उसने। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आवाज पतला है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंग्लिश में नहीं, हिंदी में बताओ। ऑपोजिट है दोनों, विपरीत, विपरीत है दोनों, समझ गए। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तबा खैर, कट।